आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टीम आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में। इंटरेस्टिंग मैं इसी बात के लिए कह रही हूँ क्योंकि हर साल सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के लाइनअप होने के बावजूद ये टीम आज तक आईपीएल नहीं जीत सकी है। यहाँ तक कि 3 बार आईपीएल के फाइनल तक क्वालिफाई कर चुकी है लेकिन 1 बार भी आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम करने में कामयाब नहीं हुई है। इसी टीम के नाम आईपीएल की हिस्ट्री में हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड है और आईपीएल में सबसे ज्यादा सिक्सेस भी इसी टीम के द्वारा लगाई गई है। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आगे जानेंगे तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। आरसीबी की शुरुआत आईपीएल की शुरुआत के समय यानी 2008 में यूनाइटेड स्पोर्ट्स के द्वारा की गई थी, जिसके बाद रॉयल चैलेंज को जो एक लिकर ब्रांड है उसने इस टीम को खरीद लिया था। रॉयल चैलेंज कंपनी के मालिक और कोई नहीं बल्कि विजय माल्या है। विजय माल्या के लिकर ब्रांड रॉयल चैलेंज के नाम से ही आरसीबी का नाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर रखा गया था। उन्होंने इस टीम को $111.6 मिलियन में खरीद लिया था और यह अब तक की आईपीएल के हिस्ट्री में किसी भी टीम के लिए सेकंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बीआईडी लगाई गई थी। इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मुंबई इंडियंस को $111.9 मिलियन में खरीदा था और अभी रिसेंटली डफ एंड फेंस के एक सर्वे के हिसाब से आरसीबी टीम की टोटल वैल्यू ओनली $83 मिलियन है। परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो आरसीबी टीम आईपीएल में इतना अच्छा नहीं कर पाई है और लगातार मैचेस हारने की वजह से उनकी ब्रांड वैल्यू भी काफी ज्यादा अफेक्ट हुई है। आरसीबी की टीम अब तक 3 बार आईपीएल के फाइनल्स में पहुंच चुकी थी और तीनों ही बार इस टीम को हार का सामना करना पड़ा था। एक बार 2009 में डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ, फिर 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ और उसके बाद 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्हें हार मिली थी। आईपीएल की दूसरी सीजन में आरसीबी ने बहुत मस्त वापसी करी थी लेकिन इस बार कैप्टन बदलकर केविन पीटरसन को बनाया गया था, जो कि बाद में अपनी होम टाउन इंग्लैंड के लिए खेलने आईपीएल बीच में ही छोड़कर चले गए थे। उसके बाद अनिल कुंबले को कैप्टन बनाया गया था जिनकी कैप्टेंसी में आरसीबी ने 14 में से 8 मैचेस में जीत दर्ज करी थी और टूर्नामेंट्स के फाइनल तक क्वालिफाई भी करी थी लेकिन फाइनल में डेक्कन चार्जर से केवल 6 रनों से हार गई। आरसीबी की टीम ने 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 5 विकेट देकर 263 रन का एक शानदार स्कोर बनाया था, जो कि आईपीएल के हिस्ट्री में अब तक का सबसे ज्यादा स्कोर है। लेकिन इसके साथ ही आईपीएल में सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट होने वाली आरसीबी ही है, जो कि 2017 में केकेआर के खिलाफ केवल 49 रन्स पर ऑल आउट हो गई थी। शुरुआत से ही आरसीबी की टीम में काफी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं जैसे कि इजाहिर खान, राहुल द्रविड़, जैक कैलस, अनिल कुंबले और इसके बाद भी साल दर साल आरसीबी में काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी आते रहे। 2008 में आरसीबी की टीम में विराट कोहली की एंट्री हुई थी और इसके साथ ही टीम में ओपनर के तौर पर क्रिस गेल 2011 में आरसीबी में आए थे और वहां से आरसीबी ने काफी सारे रिकॉर्ड दर्ज करने शुरू कर दिए जिसमें ज्यादातर कंट्रीब्यूशन क्रिस गेल की ही थी। उनके शानदार बैटिंग के सामने अच्छे अच्छे बॉलर्स की पसीने छूट जाते हैं। क्रिस गेल के जो आरसीबी में पहला मैच था उसमें गेल ने 55 बॉल्स में 102 रन बनाए थे और वहीं से आरसीबी टीम का भरोसा क्रिस गेल के बैटिंग पर बढ़ गया था। इसके अलावा 30 बॉल्स में उन्होंने 1 सेंचुरी बनाई थी और वो यह वही मैच है जिसमें आरसीबी ने 263 रन बनाए थे। इस मैच में क्रिस गेल ने अकेले 175 रन बनाए थे और तभी से वे आईपीएल में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर बन गए थे। विराट कोहली और क्रिस गेल की साझेदारी की वजह से आरसीबी की टीम आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगाने वाली टीम बन गई है, जिसमें 5 आईपीएल सेंचुरी विराट कोहली और बाकी की सेंचुरीज ज्यादातर क्रिस गेल के नाम पर है। ऑल टोटल में आरसीबी टीम के खिलाड़ियों ने 15 सेंचुरीज आईपीएल में बनाई हुई है। आरसीबी के प्लेयर्स ने आईपीएल में सबसे ज्यादा सिक्सेस भी बनाए हैं जो कि है 1131 सिक्सेस, जो कि बहुत ज्यादा है। विराट कोहली भी अपने शानदार परफॉर्मेंस से टीम को एक अच्छे मुकाम पर लेकर आए थे और 2013 में उन्हें आरसीबी का कैप्टन बना दिया गया था। इसके बाद से विराट कोहली को 2018 आईपीएल ऑक्शन में 17 करोड़ की हाई अमाउंट के साथ रिटेन कर दिया गया था। इसके साथ ही विराट आईपीएल हिस्ट्री में हाईएस्ट पेड प्लेयर भी बने थे। विराट कोहली ने आईपीएल के लगभग हर रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 2016 के आईपीएल में उन्होंने 973 रन अकेले बनाए थे और टीम को आईपीएल के फाइनल तक लेकर गए थे। हालांकि आरसीबी फाइनल्स में सनराइजर्स हैदराबाद से हार गई थी। इसके अलावा विराट कोहली ही वो खिलाड़ी है जिन्होंने सुरेश रैना के बाद आईपीएल में 5000 रन का आंकड़ा पार किया था और विराट कोहली ही वही खिलाड़ी है जिनके नाम आज आईपीएल में सबसे ज्यादा रन के रिकॉर्ड दर्ज है। इतनी सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस होने के बाद भी विराट कोहली के कैप्टनसी के अंडर आरसीबी ने अब तक सबसे ज्यादा मैचेस हारे हैं, जो कि लगभग है
है 55 मैचेस। एक और बात ये है कि आरसीबी टीम का थीम सॉन्ग भी काफी बाद में बदला गया है। आरसीबी में जिसमें फर्स्ट सीजन का थीम सॉन्ग था जीतेंगे हम शान से, 2009 में गेम फॉर मोड, 2013 में हेयर वी गो द रॉयल चैलेंजर्स और 2016 से अभी तक प्ले बोल्ड उनका थीम सॉन्ग है। आरसीबी टीम में थीम सॉन्ग और ब्रांडिंग में काफी पैसे खर्च की जाती है। इसकी एक कारण ये हो सकती है कि इस टीम के नाम में ही ओनर कंपनी रॉयल चैलेंजर का नाम है। रॉयल चैलेंजर एक लिकर ब्रांड है और हमारे देश में लिकर की एड्स टीवी पर नहीं दिखाई जाती है। इसी वजह से कंपनीज दूसरे प्रोडक्ट्स के एड्स में अपना नाम बताती है ताकि कस्टमर को उनके ब्रांड के नाम के बारे में भी पता चले। इसी वजह से रॉयल चैलेंज कंपनी अपनी एडवर्टाइजिंग क्रिकेट टीम थ्रू करती है या फिर म्यूजिक सीरीज के थ्रू। रॉयल चैलेंजर के कैप्टन भी 6 बार चेंज किए जा चुके हैं, 2008 में राहुल द्रविड़, 2009 की शुरुआत में केविन पीटरसन, 2009 में ही अनिल कुंबले, 2011 में डैनियल विक्टोरी, 2013 से 2021 तक विराट कोहली और 2022 से फैफ डु प्लेसिस। आरसीबी टीम ने अपने कैप्टन, कोचेस और थीम सॉन्ग के अलावा अपने लोगो और जर्सी में भी काफी सारे बदलाव किए हैं। आरसीबी के पहले वाले जर्सी का कलर रेड और गोल्डन येलो था, लेकिन उसके बाद कई बार बदलाव किए गए हैं। और अभी के समय में आरसीबी के जर्सी के 4 वर्शंस है। पहले वाले जर्सी में ज्यादा रेड कलर है, सेकंड जर्सी का कलर पहले वाले जर्सी जैसा ही है लेकिन इसमें रेड से ज्यादा ब्लैक कलर है। ये जर्सी वे अवे मैचेस खेलने के लिए पहनती है। थर्ड वर्शन वाली जर्सी गो ग्रीन इनिशिएटिव है जो कि आरसीबी आईपीएल के सीजन में बस एक ही बार पहनती है। और फोर्थ यानी लास्ट वाली जर्सी ब्लू कलर में है। आरसीबी ने शुरुआत से सबसे ज्यादा जीत आईपीएल में दिल्ली के खिलाफ की है जबकि सबसे कम जीत मुंबई इंडियंस के खिलाफ है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उनकी विन परसेंटेज 61% है जबकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ केवल वो 38% है। आईपीएल की शुरुआती सीजन में आरसीबी की परफॉर्मेंस काफी खराब रही जिसमें उन्होंने 14 मैचेस में से केवल 4 मैचेस में जीत दर्ज की थी और कैप्टन राहुल द्रविड़ के अलावा कोई भी खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट में 300 से ज्यादा रन स्कोर नहीं कर पाए थे। इसी वजह से आरसीबी 7वें स्थान पर थी। आईपीएल के दूसरे सीजन में खेल रहे मनीष पांडे आईपीएल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बैट्समैन बने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। आरसीबी 2014 में इसीलिए भी सुर्खियों में आई थी क्योंकि उन्होंने युवराज सिंह को 14 करोड़ के प्राइस में खरीदा था लेकिन वे भी उस साल आईपीएल में कोई कमाल का काम नहीं कर सके जिसके लिए युवराज सिंह को अपने फैंस के तरफ से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। इनके अलावा एक और इम्पोर्टेंट प्लेयर जो आरसीबी के लिए रहे हैं वो है एबी डिविलियर्स। डिविलियर्स आईपीएल के सबसे सक्सेसफुल बैट्समैनों में से एक रहे हैं। उनके बैटिंग स्टाइल और अमेजिंग शॉट की वजह से उन्हें मिस्टर 360 के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये बता दूं कि आरसीबी टीम की तरफ से न केवल बैट्समैन ने बल्कि बॉलर्स ने भी अपनी खूब अच्छी प्रदर्शन किए हैं। उसी में से एक है युजवेंद्र चहल जिन्होंने अपनी शानदार बॉलिंग से आईपीएल में सबका दिल जीत लिया था। हालांकि युजवेंद्र चहल अभी राजस्थान रॉयल्स के टीम में है। उन्होंने 70 मैचेस के अंदर 82 विकेट हासिल की थी और वो भी केवल 23.56 के एवरेज पर। उसी के साथ वे आईपीएल के सबसे अच्छे बॉलर्स के लिस्ट में भी मौजूद हैं। हाल ही में जब एक क्रिकेट एक्सपर्ट से आरसीबी के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि युजवेंद्र चहल इस टीम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ियों में से एक है। वो अकेले ही इस टीम को फाइनल्स तक पहुँचाने के लिए जिम्मेदार रह सकते हैं। आरसीबी का होम ग्राउंड बेंगलुरु का चिन्नस्वामी स्टेडियम है जो भारत के सबसे पुराने क्रिकेट स्टेडियमों में से एक है। यहाँ दर्शकों के बैठने की क्षमता लगभग 40,000 है। इसके साथ ही आरसीबी पहली ऐसी टीम बनी है जिसने अपने फैंस को फ्री वाईफाई की सुविधा अपने होम ग्राउंड से ही प्रोवाइड करी। तो यही थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट आरसीबी। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अननोन रिव्यूअर्स। ऑल्सो डोंट फॉरगेट to comment down your favorite part of this video. Bye!